राशन डीलर को मिल रही धमकियों पर की जाएगी कार्रवाई। रसद विभाग ने पुलिस कप्तान को सौंपा शिकायत पत्र। काफी दिनों से जिला रसद विभाग को शिकायत मिल रही थी कि राशन डीलर्स को कोई सरकारी कर्मचारी बनकर फर्जी कॉल करके उनको धमका रहा है कि उन्होंने राशन का वितरण सही तरीके से नहीं किया। इस पर जिला रसद विभाग द्वारा पुलिस कप्तान को जिस भी नंबर से फर्जी कॉल आ रहे हैं उसको लेकर शिकायत पत्र सौंपा गया, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। जो फर्जी कॉल आ रहे थे उसके मामले में मैंने आज माननीय एसपी साहब को पत्र लिखा है कि फला फला नंबर से हमारे राशन डीलर को धमकाया जा रहा है, इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो हमने एसपी साहब लिखा है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट नंबर आए और अकाउंट नंबर दिए हम उनको, क्या मांग रहे हो? वो राशन डीलर को धमका रहे हैं कि मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, सरकारी आदमी बन के धमका रहे हैं कि तुमने गड़बड़ की है, जबकि तुमने गड़बड़ की या नहीं की, लेकिन उनको एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत हमने डिपार्टमेंट तरफ से पुलिस विभाग को लिखा है। सर, शिकायत आप लोगों ने शिकायत किनको दे? राशन डीलर ने हमको लिखित में दी, उसी के आधार पर हमने एसपी साहब को लिख दिया। Okay, इसके अलावा आज खाद्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित हुई। सेक्रेटरी सिद्धार्थ महाजन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई। वहीं जून माह के अंदर होने वाली वितरण सामग्री को लेकर निर्देश दिए गए। जून माह की जो सामग्री है वो आवंटित हो चुकी है, उसका वितरण किस प्रकार होना है उसको लेकर चर्चा की गई और समय पर वितरण करने के निर्देश भी दिए गए। आज पूरे राजस्थान की वीसी थी, खाद्य विभाग के माननीय सेक्रेटरी साहब सिद्धार्थ महाजन ने वीसी ली थी और वीसी का उद्देश्य ये था कि जो एनएफएसए प्रणाली वो सुचारू रूप से काम करे और जो भी कर्फ्यू एरिया है या नॉन कर्फ्यू एरिया है वहाँ पर वितरण प्रणाली सुधार पर जो ज़रूरतमंद है उनको राशन सामग्री समय पर पहुँचे और जो जून माह का आवंटन है हो गया है उसका उठाव समय पर हो और निर्धारित समय पर उसका वितरण हो सके। सर, एक